बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां उसकी आर्थिक राजधानी इंदौर मानी जाती है और वहां करीब पर्यटन स्थल जो है जाम गेट, वहां पर एक घटना घटी। 6 में से कुल 3 आरोपियों को उस घटना के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये घटना को हुए 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कथित तौर पर जिस महिला के साथ गैंगरेप के आरोप हैं, उस पीड़ित महिला ने अब तक अपने बयान दर्ज नहीं करवाए हैं। पूरा मामला आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों से गिरा जाम गेट और एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल, लेकिन इस खूबसूरती में एक दाग लग चुका है। जाम गेट के पास मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना में 2 ट्रेनी आर्मी अफसर और उनकी महिला मित्रों पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। लूटपाट की नियत से आए बदमाशों ने आर्मी अफसरों के साथ मारपीट की। सभी पीड़ितों को महू के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सबके बयान हुए, लेकिन उस महिला को छोड़कर जिसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप के आरोप हैं। घटना के बाद से ही महिला डरी सहमी हुई है और सदमे में है। जितनी बार पुलिस ने प्रयास किया, महिला ने बयान देने से उतना ही बार इनकार कर दिया। महिला ने अभी अपने कथन नहीं दिए हैं। उनसे कथन के बारे में दोबारा पूछा गया था। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि वो अभी कथन नहीं देना चाहेंगी। जब उनके कथन आ जाएंगे तो आगे की पूरी कार्रवाई और आगे की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेडी अभी अपने बयान अभी नहीं दे रही है, एंड व्हेनेवर शी इज कम्फर्टेबल हम उनके बयान तब लेंगे। ये पहली बार नहीं था जब ऐसे बदमाशों ने किसी को निशाना बनाया हो। अक्सर उन इलाकों में बदमाश अपना निशाना ढूंढते रहते हैं और मौका पाते ही लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। अंधेरा ही रहता है रात को, तो बहुत ये रहता है ना, जंगली इलाका है यहाँ पे, आना जाना मना रहता है। पर्यटक वाले घूमने वाले आते जाते रहते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है अंधेरे के टाइम में। घाटे में कूद भी गए बहुत लोग, गाड़ियां भी कुदा दी लोगों ने, और बहुत यहाँ पे तो बड़े ये तो यहाँ मर गए लोग। लूटपाट भी होती रहती है। अच्छा, बदमाश मतलब घूमते रहते हैं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा? बदमाश घूमते रहते हैं। अभी आप वो रात को घटना घटी, सुबह पुलिस वगैरह आई, जब मालूम पड़ा। अच्छा। कि क्या ऐसा हो गया। आर्मी तो वो 2-3 महीने में आते हैं। अच्छा। तो 8 रोज रखते हैं। हाँ। तो बंद रहता है। मैं आपको सामने जो घाटी है वो दिखाना चाहूंगी कि अगर इसके पीछे कोई छुपकर रहता भी है, अगर इसके पीछे कोई छुपकर बैठा भी रहता है, या फिर मेन रोड से भी यहाँ तक अगर आता है चुपचाप से, तो किसी को पता नहीं लग पाएगा। बहुत आसानी से यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो उसको अपना निशाना बना सकते हैं। ये वही जगह है, ये जो पूरी घटना हुई है। हालांकि जब हम यहाँ पर अभी देख रहे थे तो यहाँ पर जो है जिस तरह का कचरा पड़ा हुआ था, जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चीज़ें पड़ी हुई, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि इकलौते आर्मी अफसर या फिर जो है उनके महिला मित्र यहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। भले ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी को आना नहीं है, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। जान का खतरा भी यहाँ पर है, जो कि कल हुआ, जो कि इंसिडेंट पूरा हमें देखने को मिला ही जाहिर तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये जो बदमाश थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने एक अकेली गाड़ी देखी, अकेले लोगों को देखा, और उनको पता था कि यहाँ से मदद मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल किस्म का है, आसान नहीं है, और शायद यही वजह रही कि उन्होंने उनको निशाना बनाया। गिरफ्तार 3 आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पहले भी कई गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया है। पहले आरोपी का नाम अनिल बारोर है, जो कि गिरफ्तार हो गए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड ये है कि मुख्य सरगना रहे, फाइनेंस कंपनी से वसूलीबाजी, लूट के आरोप, पारिवारिक विवाद में मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी का नाम पवन बंसूनिया है, उम्र 23 साल है, प्रतिबंधित शराब की तस्करी, लूटपाट और कई मामले पहले से दर्ज हैं। तीसरे आरोपी का नाम रितेश भाबर है, जो कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, उम्र 25 साल, गंभीर आरोप है, हत्या का भी मामला दर्ज है। अन्य 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम रोहित गिरवाल, संदीप वारिया और सचिन मकवाना है। तीनों ही 23 वर्ष के हैं और इनके खिलाफ भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, 3 उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी,
उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। बड़गोंदा पुलिस ने BNS की धारा 70 यानी कि सामूहिक बलात्कार, 310(2) यानी कि डकैती, 308(2) यानी कि जबरन वसूली, 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया था। पुलिस ने 5 आरोपियों की टीम गठित की थी जिसके बाद अब 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार पर्यटन स्थलों पर सुनसान रात के वक्त महिलाओं के साथ दुष्कर्म और लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर से ही 25 किलोमीटर दूर कजलीगढ़ का किला है। लूट के मामले में यहां पर 4 लोगों को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया, बाद में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। गैंग के सरगना ने कबूला कि उसके गिरोह ने 2 साल में 45 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट को खुद सरकार ने नकार दिया। मेहंदीकुंड में भी इसी तरह के गैंगरेप का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी ईश्वर भील अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले जो पास में कचली खेड़ा है, 2015 में भी ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर ऐसे लूटपाट कर गैंगरेप की घटनाएं थी, तो क्या इसका भी कनेक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि ये घटनाएं रेपिटेटिव भी हो सकती है पहले जो पूछताछ होगी उसमें? नहीं, ये उसके साथ इस घटना का या उन आरोपियों के इस घटना के साथ कोई लिंक नहीं अभी तक सामने आया है। इंदौर में हुई इस घटना के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा सवाल पुलिस व्यवस्थाओं, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर जरूर खड़ा होता है, लेकिन क्या आर्मी के जो 2 प्रशिक्षु अधिकारी नियमों का उल्लंघन करके उस जगह पर देर रात घूम रहे थे, आर्मी उन पर कार्रवाई करेगा या नहीं, या फिर जो नियमों का हवाला आर्मी के द्वारा उन अधिकारियों के लिए होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर पैदा होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।